भ्रष्ट आप बोल नहीं सकते, संवेदनहीन नहीं बोल सकते, शकुनी मामा नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। दोस्तों, संसद के अंदर बैन हुए शब्द जैसे जुमला जीवी, शकुनी मामा, आंदोलन जीवी के रोक लगने के बाद अब संसद की तरफ से एक नई गाइडलाइन आ गई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब संसद परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन या अनशन भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब भी विपक्ष के सांसदों को सदन से बहिष्कार करना होता है, किसी भी सरकार का विरोध करना होता है, या फिर कभी सांसदों को कार्यवाही के दौरान निलंबित कर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने सभी विपक्ष के सांसद धरना देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2014 के पहले बीजेपी सरकार भी जब विपक्ष में होती थी तो वो खुद भी धरना प्रदर्शन करती थी। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात अब यह है कि मोदी सरकार का ये तुगलकी फरमान आने के बाद अब इन सब पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद की नई गाइडलाइन को सामने रखते हुए कहा, असंसदीय शब्दों की नई सूची के माध्यम से संसदीय विमर्श पर बुलडोजर चलाने के पश्चात अब ये नया तुगलकी फरमान आया है कि आप संसद परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या अनशन आदि नहीं कर सकते हैं। आजादी के 75वें वर्ष में ये क्या हो रहा है? पड़ोस के श्रीलंका से सीखिए हुजूर, जय हिंद। लेकिन मान लीजिए, किस तरह की सोच है, कौन गाइड कर रहा है सरकार, यहाँ की व्यवस्थाओं को, संसद को? संवेदनहीन शब्द भ्रष्ट आप बोल नहीं सकते, संवेदनहीन नहीं बोल सकते, शकुनी मामा नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। ऐसा भी लोकतंत्र है? पूरे जेपी आंदोलन की विरासत को ही आप खत्म कर रहे हो। तानाशाही आप नहीं बोल सकते, तानाशाही को कौन सा नाम दे देगा? तानाशाही ना बोले, क्यों ना बोले? मनोज झा के सपोर्ट में एक यूजर लिखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर की स्थिति मोदी सरकार में गांधी जी के तीन बंदर की तरह कर दी गई है। और अभी सांसद ने गांधी जी के तीन बंदर शब्द को असंसदीय घोषित नहीं किया है। अहमद लिखते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये सभी लोकतंत्र की हत्या के लिए दोषी है। इस देश में अब लोकतंत्र शब्द को भी बहुत जल्द संसद में अमर्यादित शब्द घोषित कर दिया जाएगा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो। एक यूजर और लिखते हैं, स्पीकर और चेयरमैन दोनों भाजपा के हैं, हस्तक्षेप कौन करेगा? विरोध विपक्षी दलों को करना होगा और जनता को साथ देना होगा। जनता यदि विपक्ष का साथ नहीं देती तो वह स्वयं अपनी ही आवाज़ का गला घोंट रही है। फिलहाल दोस्तों, मोदी सरकार के इस तुगलकी फरमान पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया के सारी खबर तक पहुंचाई जा सके।